वीबीए मार्क प्रोग्रामिंग में बात करने जाने हैं लूप, और लूप में हम डू वाइल एंड डू वाइल एंड डू अंटिल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इच को पढ़ते हैं, फॉर इच का यूज क्यों होता है। देखिए मैम, सिंपल सी बात समझ जाइए कि अगर आपके पास एक सिलेक्टेड रेंज है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो मेरा जो कोड है परफॉर्म करे इसी सिलेक्टेड पे चले। मेरे पास कोई एरिया फिक्स नहीं है कि किस एरिया पे चलना है, बस मुझे बताना है कि सिलेक्ट, जैसे आपने बोला कि मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो सिलेक्टेड रो हाइड हो जाए या अनहाइड हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, तो सिंपल सी बात समझ जाइए, मुझे सिलेक्टेड रो पे करना है आपको। तो अब यहाँ पे दिक्कत है कि आपने बोला कि सिलेक्टेड रो हाइड और अनहाइड हो जाए, तो इसके लिए फोर ईच लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक पूरी सिलेक्शन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्क मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया रेंज, फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में डॉट एंटायर रो या कॉलम डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू, एक को हाइड करने का कोड है, राइट। अब मैंने यहाँ सिलेक्शन लगा दिया, सिलेक्शन लगा दिया। अब मुझे सिलेक्टेड सेल को हाइड करना है, तो जस्ट मैं यहां जाऊंगा, रन करूंगा, हाइड हो जाएगा, हो गया। मुझे अनहाइड करना है तो हमें क्या करना है, यहां पे फॉल्स कर देना है। तो यहां पे माइक्रो में जाएंगे और यहां हम इसको करते हैं, सीख गया। तो इसमें देखिए, हम फोर इच तब लगाते हैं, हम तब नहीं लगाते जब मुझे सिलेक्शन पे कुछ करना है, क्योंकि आप देखना है कि हम जो फीचर अप्लाई करने जा रहे हैं क्या वो पूरी की पूरी सिलेक्शन में अप्लीकेबल है या नहीं है। हाँ सर, लेकिन मुझे एक सिलेक्टेड के इंडिविजुअल हर एक सेल पे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जितने भी ए हैं, सिलेक्टेड रेंज है, इसमें ग्रेटर देन 50 को उठा के यहाँ पर, अब ये है कि इसमें हम एक साथ सिलेक्टेड सेल पे एक साथ सिलेक्शन करके तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे तो इसमें इंडिविजुअल करना है ना। तो जो हमारा फीचर है या हमारा प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल सेल पे चलने के लिए बना है, तो उस केस में हम क्या करें। आपका आवाज बहुत कट रहा है, अभी ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ सर अभी ठीक है। हेलो अतीश जी, मैं आवाज क्लियर आ रही है आपको? सर सुहाग जी को डाउट, आवाज को प्रॉब्लम है? नहीं सर, आ रही है आवाज। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, यहाँ पे वन देता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ पे देता हूँ कि फोर, यहाँ पे हिम आर एज अ रेंज, और इसमें दिव्या कि फोर इच आर इन सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे कोड इफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 then range कौन सा करूं, q range q 65,000 dot and x less up dot offset 1,0 dot value equal to r dot value, और यहां पे next। तो हम वहां पे यूज करेंगे जहां हमारा कोई एरिया फिक्स नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा, मेरा कोई एरिया फिक्स नहीं है, मैं सिलेक्टेड सेल के हर एक सेल के ऊपर काम करना चाहता हूं, तो वहां पे हम फोर इच देंगे।
तो आप जो फोर ईच देने से पहले आप ध्यान रखें जो फीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक साथ सिलेक्टेड सेल में हो जाता है या एक एक सेल में होता है। जैसे आपने हिडन करने की बात की तो इसके लिए रो की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक एक रो पे चलने की जरूरत नहीं है, हम सिलेक्टेड को भी हिडन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको मैम? हाँ। और सर एक क्वेश्चन है कि हम लोग जब शीट पे काम किए थे वहां पे दो ऑप्शन था, एक हिडन एक वेरी हिडन, दोनों में डिफरेंस क्या है? हिडन को आप यूजर यूजली राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता है यहाँ से। अच्छा। और वेरी हिडन को हाइड करने के लिए VBA कोड को ही एक्सेस करना पड़ेगा। और सर आप जो इफ कंडीशन पे काम दिए थे वो हो गया, पर सेवेंथ पेज में एक कंडीशन था कि जहाँ पे मतलब 30 में पास है पर किसी का 30 का नीचे का मार्क्स है तो वहाँ पे जितना कम है उतना उसको ऐड करके पास मार्क्स देना है, वो नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप बोलेंगे तो मैं आपको कल फाइल भेज दूंगी। आराम से, अभी तो ज्यादा नहीं 5-6 दिन हुए हैं, आराम से उसको 5-6 महीना बाद भेजिएगा फिर देख लूंगा। ठीक है सर। चलिए तो अब हम फोर ईच के बारे में पढ़ रहे थे, तो फोर आसमन में आ गया। अब डू वाइल के बारे में जानते हैं, लूप को आज खत्म ही करते हैं जी। क्या करता है? देखिए हमने कंडीशन दे दिया कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंडिंग दे दिया, राइट, या सिलेक्टेड सेल दे दिया कि सिलेक्टेड सेल पे चलो। लेकिन मैं कंडीशन देना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बी कॉलम में 500 लिखते रहो, कब तक? जब तक कि बी कॉलम में डेटा मिलना बंद नहीं होता है। ठीक है, जब तक बी कॉलम में डेटा मिलना बंद नहीं होता है तब तक उसको ढूंढते रहो, राइट। कैसे करें इसको? तो चलिए यहां पे हम विजुअल बेसिक में जाते हैं, यहां पे कोड लिखते हैं। कहते हैं कि फोर नहीं होगा, माफ कीजिए, इसमें टू होगा। यहाँ पे डिम आर एज ए मैंने ले लिया लॉन्ग और यहाँ पे आर इक्वल टू वन दे दिया। डू वाइल यहां पर भी आर सेल, यहां पर सेल्स आर कॉमा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर हमने लूप दिया और दिया सेल्स आर कॉमा टू इक्वल टू 500 और यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस वन, क्योंकि इसमें फोर की तरह आई लूप तो होता नहीं है। तो ये चलेगा कि भाई सेल्स में चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 500 डालता रहे, कब तक डालता रहे? जिसको इसमें ब्लैंक जीरो ना मिला तब तक, समझे? अब यहाँ पे डू वाइल लूप होता है, ये दोनों का काम एक ही है, बस कंडीशन अपोजिट होता है। अब मैं यहाँ पे डू अनटिल कर देता हूँ, तो अंटिल में क्या होगा कि कब तक चले? जब तक कि उसको इक्वल टू जीरो ना। यहां पे चलने के लिए कोड देते हैं, यहां पे रुकने के लिए कोड देते हैं। तो यहां पे ठीक है, तो डू व्हाइल एंड डू अंटिल में देखिए, जैसे हमने बोला कि कब तक चले? जब तक नॉट इक्वल टू जीरो है, राइट। अब यहां पे हुआ कि कब स्टॉप हो? जब तक उसको जीरो ना मिले, जब जीरो मिल जाए तो स्टॉप हो जाए। तो दोनों काम एक ही है बट
कंडीशन का तरीका अपोजिट होता है, यहां पे इक्वल टू होगा यहां पे नॉट इक्वल टू होगा, राइट सर? हाँ, एक कंडीशन पे चलता है। अब इसका यूज कहां होता है, क्योंकि इस पे तो हम फॉर लूप भी लगा सकते थे, तो इसका यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहां पे एक देते हैं लूप। हेलो, हाँ और यहाँ पे मैं देता हूँ डू वाइल n equal to input box please अब यहां पे देखिए कि मैं मुझे क्या है कि जब मैं रन करता हूं माइनस था आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपने इनपुट बॉक्स का कोड लगाया, अब इनपुट बॉक्स के बिहाफ पे आगे का रिपोर्ट आपको बनना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको इनपुट बॉक्स के बिहाफ पे आगे के रिपोर्ट को जनरेट करना है, और किसी ने इनपुट बॉक्स में कुछ नहीं डाला और कैंसिल कर दिया या ब्लैंक कोई ओके कर दिया, तो इंप्रूव बॉक्स का सेट करके आगे बढ़ जाएगा, राइट? तो आपकी सारी माइक्रोडेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इंप्रूव बॉक्स पे तब तक ना हटे जब तक कि इसमें आप वैलिड एंट्री नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहां पे नाम डाल दिया, यहां पे अब ओके करूंगा, एक रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे अगर मान लीजिए वाइल लूप नहीं लगाते तो कोई ऐसा लूप काम नहीं करेगा, क्योंकि यूजर कितना बार में वो सही इनपुट डालेगा इसका गारंटी थोड़ी है। क्या क्या बोल रहे? तो यहां भी इसी का दिक्कत है भाई, इनपुट बॉक्स में अगर सही नंबर हो तभी आगे बढ़े, अदरवाइज ना बढ़े। तो कल के डेट में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए इंटरनेट को आपने कनेक्ट किया और आप चाहते हो कि भाई पेज जब तक लोड हो रहा है तब तक वेट करें, अब पेज कितना देर में लोड होगा अब इसकी गारंटी थोड़ी है। इंटरनेट की स्पीड होता है कि 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, 5 मिनट लग जाए। इसी तरह से कोई एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हैं, एप्लीकेशन लाइव होने में टाइम लग रहा है, तो आप किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे आप अपनी लूपिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे आपने देखा, ठीक है? अगर डू अंटिल यहां लगता यह नॉट इक्वल टू होता, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे डू अंटिल लगता यहां नॉट इक्वल टू होता। तो डू वाइल को समझ गए, डू वाइल क्या करता है और डू अंटिल क्या करता है। जी, इसमें सर दोनों ही तो सर अगर सेम है तो मतलब वो दोनों में से तो कोई एक कहीं पे भी यूज हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन डू अंटिल इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका डू ये वाइल है ना सर, वो पहले हाँ। करता है फिर कंडीशन देता है, और डू अंटिल क्या करता है पहले एक बार रन कर लेता है उसके बाद चेक करता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ सिचुएशन बना कि वो पहले रन करवा दे आपके प्रोग्राम को फिर कंडीशन चेक करें, वहां अंटिल लग जाएगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है, करेंगे तो थोड़ा और समझ में आ रहा है। इनपुट इनपुट मैसेज जो रहता है ना के लिए प्रोग्राम वेट्स फॉर that input box में जब हम please enter name
वैल्यू एंटर करने के बाद इट बराबर ना सर? हाँ हेलो, हाँ सर, ओके क्लियर हाँ, मैंने बोला कि इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स जब हम देते हैं तो उसका वैल्यू जब तक हम नहीं डालेंगे, यूजर वैल्यू जब तक नहीं डालेगा तो प्रोग्राम विल वेट फॉर दैट वैल्यू देन इट। हाँ सही सही, जब तक उसमें मान लीजिए कंडीशन होता है, पासवर्ड की भी लगा सकते हो भाई, एन की वैल्यू आपके पासवर्ड के अकॉर्डिंग ना हो तब तक आपका इनपुट बॉक्स हटे ही ना। समझे? यस सर, सर के आगे बढ़े। हाँ सर, अब यहां पे रिवर्स रिवर्स लूप का एक ऑप्शन होता है, वो भी जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे किया, समझे देता हूं, आर बी अंडर वन, जैसे कि मैं यहां पे लूप लगाता हूं, करता हूं कि फोर आर इक्वल चले वन टू हंड्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आई कर दिया एम एस जी बॉक्स एपी आर भी यहां पर लिख देता हूं आई कॉमा वन। हमने क्या यहां पे रिवर्स लूप को समझ लिया। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो एक से लेकर हंड्रेड तक चलेगा सीक्वेंस में। अब इसी में मैं यहां पे देता हूं यहां पे स्टेप स्टेप टू, तो क्या होगा? स्टेप टू देते ही आप देखेंगे कि वन टू थ्री, एक मिनट, स्टेप टू था ना, स्टेप टू दिया हमने, दिख रहा है सर कुछ? वन थ्री फाइव, एक एक गैप कर दिया इसने, गैप कर दिया। अब मैं इस पे मान लीजिए स्टेप थ्री कर देता हूं तो क्या होगा? दो गैप माइनस रिमूव कर देगा, स्किप कर देगा, सीक्वेंस नहीं रहेगा पर गैप को स्किप कर देगा। ऐसे फोर फाइव सिक्स करेंगे, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि हमने माइनस वन दिया, राइट, यहां पे मैंने लिख दिया कि 100 टू 1, 100 टू 1, आपको नहीं 100 टू 1 स्टेप माइनस 1, यहां पे स्टेप 1 करता हूं, सॉरी मुझे वन टू हंड्रेड ही करना है यहां पे, और स्टेप वन करता हूं, माइनस वन, माइनस वन कर देता हूं, अगर यहां पे क्योंकि अगर स्टेप नहीं देता हूं तो क्या होता है? बावजूद भी गलत हो जाता है माइनस वन करने पे। अगर स्टेप वन कर देता हूं तो क्या होता है? माइनस
माइनस वन पे ए वन पे तो जाएगा, लेकिन वो काम ए होगा कि इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा इसका। टू से करता हूँ, जब माइनस करने पे स्टेप वन करते हैं तो स्टेप वन करने पे वो रिवर्स कर देता है। समझे, रिवर्स के बारे में समझ में आ गया? हाँ सर। इस तरह से रिवर्स कर दिलाते हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 to 100 करता हूँ और इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तो नहीं तो नहीं चलेगा। 99 to 1 करता हूँ इसे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था 99 ओ हाँ हाँ, देखिए चल तो रहा है सही, सब माफ कीजिएगा, चल तो सही रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइप उस सीक्वेंस में हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ रेंज ए 65,000 एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट, यहाँ पे 1,0 सर रिवर्स हो जाता है। कभी कभी आपको रिवर्स करने का ऑप्शन मिले कि भाई मुझे 100 से 9 तक चलना है, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। माइनस वन को माइनस टू कर देंगे तो वही आपका दो दो का रिवर्स करेगा, प्लस में जैसे किया था उस तरह से करेगा। तो ये ऑप्शन में लूप में आपका रिवर्स का चीज इसी चीज में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो हमने आपके साथ रिवर्स लूप और लूप फोर लूप डू लूप सारे लूप को मैंने खत्म कर दिया है। आप लोग अब जो है, हालांकि आगे चल के लूप्स का यूज तो हम बहुत करेंगे, पर मैं आपको आज का टाइम देता हूँ, लूप पे आप प्रैक्टिस कर लें, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उस चीज को हम कल दोबारा से कवर कर देंगे। ठीक है, फिर कल से हमारी जो टॉपिक होगी, क्या बोलते हैं उसको, इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग।